हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तिथा फिथा ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स के लिए हमने कार्ड्स निकाले। यहाँ पे द लवर्स, आइसोलेशन, शेयरिंग, हीलिंग, फ्लावरिंग एंड द एग्जिस्टेंस। आपके पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेस में सिंह धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर 3, 4, 1, 7 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, ठीक है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे द लवर्स क्यों है, वाओ, आइसोलेशन, ओके, शेयरिंग, हीलिंग, फ्लावरिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में हैं, अकेले हैं, किसी कमरे में बंद रो रहे हैं। इनका फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है, पैसों के लिए इनको इस वक्त बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और जो भी है आप, मतलब होता है ना, 100% काम कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मिलना चाहिए इनको वैसा कुछ भी रिजल्ट मिल नहीं रहा है। जो कि इनको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने की ज़रूरत है, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, ऐसा करंट में इनको लग रहा है। बॉटम में एग्जिस्टेंस है जो यही शो करता है कि आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि लड़की टूटे तारे से विश मांग रही है, वैसे आपके पार्टनर विश मांग रहे भगवान से कि आपको बहुत जल्दी इनकी ज़िंदगी में लाया जाए, जैसे कि पहले जैसा रिश्ता बनाया जाए। आपके पार्टनर द लवर्स का कार्ड स्टार्टिंग में ही जो यही शो करता है कि यस, वो आपके साथ इस वक्त शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत प्यार से सोलमेट कनेक्शन है आपका, और जो कि आपको हग करना चाहते हैं, दिल से आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं और प्यार से आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया भी होगा, ये बहुत ज़्यादा दिल से पछता रहे हैं, रो रहे हैं आपको याद कर करके, और बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है कि ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। इनके दिल में जो भी गम है आपको लेके, जो बातें जो इन्होंने आज तक नहीं बताई आपको, वो सारी बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनके ऊपर, इनके दिल के ऊपर करण में बहुत बर्डन हो रहा है। ये अब ज़्यादा टाइम तक अपने दिल की बात आपसे हाइड कर नहीं रख सकते। ये आपको शादी का प्रॉमिस करना चाहते हैं, या आपको सब कुछ बताएंगे कि आपके बिना किस तरह से सैड एनर्जीज में है। ये 100% आपके ऊपर, जैसे कि ये आपको सब कुछ बताने के लिए अब रेडी है। अगर आपका इस तरह से शिकायत था कि आपका पार्टनर जो कि आपको कुछ बताता भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं देता है, बात भी नहीं करता है, और बार बार जैसे कि बहुत बड़े नो कांटेक्ट में चला जाता है, एक एक महीना 15-15, 20-20 दिन आपसे बात नहीं करता है, ऐसा कुछ है, तो ये जैसे इसका रीज़न आपको बताने के लिए आ रहे हैं, और जो कि यस आपको कंप्लीट स्वीकार करने के लिए आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हो, पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहते हो, आपको आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं भुला पाते। 24/7 आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग में छाए हुए रहते हैं, और जो आपके पार्टनर की तमन्ना है वही आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बॉटम में है। तो आप भी अपने रिश्ते का रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी इनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो कि लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर तो शायद आपको भूल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके हैं। फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पे आपको, जैसे कि आपके बिना आपके पार्टनर बहुत खुश है, ऐसी एनर्जीज आपको इस वक्त महसूस हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रेशर में है, शायद ये झूठा दिखावा कर रहा है, सब झूठ है। अगर आप सोशल मीडिया पे भी सब देख रहे हो इसका, इनका एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, वीडियोज़, खुशी, ये सब कुछ अगर देख रहे हो, अगर आप इनको पोस्ट ऑफ कर रहे हो, लेकिन आपका दिल बताता है कि ये सब झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, और जैसे कि शादी तो आप भी इनसे करना चाहते हो। अगर आप ठीक से देखोगे तो आपके साइड से और इनके साइड से, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, जो कि दोनों ही कार शादी को शो करते हैं। आप दोनों ही इस वक्त शादी के बारे में सोच रहे हो, और आपके पार्टनर जैसे कि ये जो बर्डन इन्होंने आज तक झेला है, उस बर्डन को उतार कर फेंकने के बारे में सोच रहे हैं।
बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में मिराकल होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में, एक दिन में आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं और ये आपको रो रो कर बताएंगे सब कुछ आपको, जैसे कि इनकी बात पे भरोसा भी होगा कि यस ये सच कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं था। आपको ऐसा लगेगा जब आप इनको बहुत दिनों के बाद देखोगे अपने आंखों के सामने, तब आपको पता चलेगा। आपको मतलब शिकायत नहीं रहने वाली है, इनकी बात पर आपको डाउट नहीं आएगा इस तरह के एमरजेंसी से। ठीक है, हम इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। ट्रू मैसेज दी एनर्स, इस वक्त मेरे यूर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इनके पार्टनर तो बड़ी तेजी से इनके पास आ रहे हैं, हमें बताएं इस वक्त मेरे यूर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? इस वक्त मेरे यूर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? द सिचुएशंस विल इम्प्रूव, जैसे कि रीडिंग में भी आपको यही फील हुआ होगा, आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। करंट में जो भी है कॉम्प्रोमाइज, यस हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े, लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। आस्क यूर एंजल्स, अपने दिल के इंट्यूशन से पूछो, अपने भगवान से अपने दिल के इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने भगवान से पूछो कि आपको क्या करना चाहिए, जिसके आंसर्स आपको ड्रीम्स में मिल जाते हैं। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको करंट पे यही बता रहे हैं कि नियर फ्यूचर आप दोनों एक साथ रहने वाले हो। आपके पार्टनर आपको लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नो, ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसे कि यस यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आप एक जगह पे बैठ के इनका इंतज़ार मत करो। ठीक है, आप यहाँ से लेट गो कर दो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, बहुत डिले हुआ तो एक महीना लगेगा। कुछ लोगों के पार्टनर एक दिन में भी आ सकते हैं। यस अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। बी हैप्पी चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। वाव, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, आपको 100% क्लेम करना है। रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।